फूड बिल पर लोकसभा में वोटिंग जारी, बीजेपी और लेफ्ट का संशोधन प्रस्ताव गिरा। यूपीए के खाद्य सुरक्षा बिल को सोनिया ने बताया इतिहास, पक्ष ने बताया चुनावी पैंतरा। एनएससीएल के प्रमोटर्स ने निवेशकों से किया धोखा, एनएससीएल के पूर्व चेयरमैन का जी बिजनेस पर सनसनीखेज खुलासा, कहा एक्सचेंज के साथ सख्ती से निपटे सरकार। ये बात एकदम गुप्त जैसी लगी, किसी के ध्यान पर कुछ भी नहीं आया। बाद में जब इन्वेस्टरों ने हल्ला किया तभी मालूम पड़ा कैसा ऐसा हुआ है। फिर तो आगे आगे देखते गए और अभी आज के अखबार में है कि कईयों के खबर में 90% वाले, कहीं में 80%। एनएसएल को कल देनी है 175 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त, ब्रोकर्स को आशंका फिर डिफॉल्ट कर सकता है एनएसएल। बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आएगी तेजी, सीसीआई ने 7 पावर प्रोजेक्ट्स के साथ एफएसए को दी मंजूरी, वित्त मंत्री ने दिया भरोसा 15 सितंबर तक सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर काम होगा शुरू। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 39 और निफ्टी 5 अंक बढ़कर बंद, बैंकिंग ऑटो ऑयल एंड गैस पिटे, मेटल पावर कैपिटल गुड्स में खरीदारी। और शुक्रवार की तेजी हुई हवा, रुपया एक बार फिर कमजोर, डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया 64 के पार, 1.10 रुपए कमजोर होकर आज बंद। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं, न्यूज टुनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं अनुया। एनएससीएल के पूर्व चेयरमैन शंकर लाल गुरु ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे किए। शंकर लाल गुरु का कहना है कि एनएससीएल मैनेजमेंट ने उनसे कई बातें छुपाई थी। सरकार के निर्देश के बाद एनएससीएल ने 21 जुलाई को ही कारोबार बंद करने का फैसला किया था, लेकिन इसकी जानकारी निवेशकों को 31 जुलाई को ही दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार को डिफॉल्टर से सख्ती से पैसे वसूलने चाहिए, लेकिन एनएससीएल बंद नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शंकरलाल गुरु, जो कि नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन अब बन चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है वो क्या है और इनका क्या उपाय होगा। काका, स्वागत है आपका जी मीडिया में। सबसे पहले ये बताइए कि आपने नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया, और अगर दे दिया तो इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैंने 7 अगस्त के रोज चेयरमैन पद से और डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। मैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। आई एम दी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग एट द टाइम ऑफ द मीटिंग। एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे पास में नहीं होता है। वो फील्ड में काम करने वाला MD और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो करती है। काका, टोटल नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज को 5,500 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने हैं, 13,000 से ज्यादा निवेशक है, तो ये पूरा मामला आपको कब पता चला और फिर आपका रिएक्शन क्या था इसके ऊपर? जो 20 तारीख को बोर्ड की मीटिंग थी बॉम्बे में, 20 जुलाई को उस रोज उस मीटिंग के अंदर भारत सरकार ने ऐसा पूछा कि तुम कारोबार जो करते हो वो हमारा एग्जम्पशन है, इससे विपरीत है। उसका जवाब देने के साथ में 21 तारीख से ये कामकाज बंद करने का निर्णय किया। अब 3-4 रोज तक तो किसी को कुछ पता नहीं था। हमको बोर्ड में बताया गया कि ये जो पैसे दिए गए हैं वो सब तो गोडाउन के अंदर है, इंश्योर्ड भी किया हुआ है। गोदाम अगर उनका खुद का है तो इसका किराया भी दिया गया उनके देखते हैं, और जो मार्जिन मनी है उसका चेक भी लेकर रखा है। हमने कहा वो राइट है, तो आगे कलेक्शन कर काम काज करो। लेकिन 2-3 रोज पीछे 3-4 तारीख को ये अखबारों में आया। हमने फोन भी किया,
हाँ सही बात है, इतना रुपया है और कई जगह पर माल नहीं है। तो एक पूरी टीम हिंदुस्तान में जर्जा गोदाम थे उसको चेक करने के लिए भेजी गई, उसके रिपोर्ट भी आया होता। मैं नहीं हूँ इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने लिख कर दिया है, कन्फर्म किया है कि गोदाम के अंदर माल पड़ा हुआ है, उस माल का इंश्योर किया हुआ है। गोदाम अगर उनका खुद का है तो उसका किराया भी उसने लिया हुआ है। तो जो ये बड़ा रकम है उसको वसूल कानून के रूप से करना चाहिए, सख्ताई से करना चाहिए। इसमें कोई ढील करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ढील किया तो पूरी एग्रीकल्चर मूवमेंट है वो टूट जाएगी। ये किसान के हित में है, ये नया प्लेटफॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देश को जरूरी है, फार्मर्स को जरूरी है, कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है, और इससे दोनों को फायदा होता है। वी कैन मीट दी WTO बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। काका आपको ये तो कई समय से ये बातें चल रही थी कि जो ये जो हो रहा है पूरा ट्रांजेक्शन NACL में उसमें तथ्य कम है और गड़बड़ी ज़्यादा सामने आ रही थी, तो आपको इसकी भनक नहीं लगी? और अब इसका कौन दोषी हो सकता है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं MD लेवल और उनके नीचे के लोग हैं? आप क्या अपना पर्सनल व्यू रखते हैं? ये बात एकदम गुप्त जैसी रही, किसी के ध्यान ऊपर कुछ भी नहीं आया। बाद में जब इन्वेस्टरों ने हल्ला किया तभी मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर तो आगे आगे देखते गए, और अभी आज के अखबार में है कि कईयों के अखबार में 90% माल है, कहीं में 80% माल है। माल नहीं है तो उन्होंने हमारे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के साथ में कोई धोखा किया है, दिखता है। माल था और नहीं है, सरकार को और सख्ती से वसूल करने के लिए चाहे कोई भी हो ये करना बहुत जरूरी है। हमारी बहुत विनती है पैसा वसूल हो और इस मूवमेंट विश के लिए चालू। काका खासकर गुजरात की बात करें तो कड़ी के अंदर दो और डीसा के अंदर एक वेयरहाउस NACL ने रखा था, और कड़ी का जो वेयरहाउस है NK प्रोटीन वो आपके रिश्तेदार है, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे कि वो किसका है? और वहाँ पर आयकर विभाग की जांच के सूत्रों ने ये बताया कि माल 90% जो बताया था उससे कम है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे NK प्रोटीन के ऊपर खास? ये बात आपकी ठीक है, वो हमारा दामाद है, लेकिन इसका मतलब ये सामाजिक दामाद है, लेकिन बिजनेस के लिए हम कोई इसके साथ में नहीं है, और इस एग्रीकल्चर मूवमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल वो बात नहीं समझते हैं। उनके पास में माल है ऐसा तो लिख कर दिया है बोर्ड में, कि हमारे बोर्ड में भी आया था कि सबके पास में है, और खास तौर पर उसने कहा है। इसलिए सख्त कानून से भी वसूलियात करनी चाहिए। पैसा आ जाने से नेशनल स्पॉट जैसी संस्थाएं नई खड़ी या ये इसको सर्वाइव कर भी काम करने से फायदा रहेगा। काका एक आखिरी सवाल, आप आगे अपना कदम, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के हित में खर्च डाली, आज भी आप 86 साल की उम्र में किसानों के लिए काम कर रहे, तो आगे आप ये नेशनल स्पॉट एक्सचेंज बंद न हो इसके लिए कुछ करने वाले हैं? ठीक बात है, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बंद नहीं होना चाहिए। ये फार्मर्स के हित के अंदर है, फार्मर्स को बिजनेस टाइप सिखाता है, फार्मर्स को अपना माल को होल्डिंग का सिखाता है, फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरात सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जो फायदा होता है उसको लेने की बात समझाता है। तो इस मूवमेंट बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए, इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने से देश की इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी, और मैं इसके बारे में भी कॉमर्स साहब को मैं मिलने वाला हूँ और कहने वाला हूँ कि इस परिस्थिति ये जो सुनामी आ गई है नेशनल प्रोजेक्ट, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, इसको ठीक कर इसकी जो कमियां हैं उसको भविष्य के अंदर ठीक कर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये देश के हित में है, इकोनॉमी हित में है, और जनरली जब देश इतना पैदा करता है मच मोर देन कंजप्शन, तो फिर इसको मार्केटिंग के लिए चाहिए चाहिए ना चाहिए चाहिए।
तो ये थे श्री शंकरलाल। साफ मानना है कि किसानों के हित में नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड जैसी संस्था जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है किसानों के लिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल 5,500 करोड़ का देनदारी का एनएससीएल के ऊपर, तो उन्होंने ये साफ कहा है कि कानून के रास्ते बहुत बड़े होते हैं, कानून के मुताबिक वहाँ काम होना चाहिए। काका ने यहाँ तक कहा कि जो एनके प्रोटीन जो उनके दामाद की पूरी कंपनी है, अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है तो कानून के रास्ते से सारी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसानों का हित जहां पर जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो एक्टिविटी बंद नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।